हेलो स्टूडेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ डीआईआईडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, दिस इज दीपक अरोड़ा। आपको मैं बताना चाह रहा था इस कॉलेज के बारे में। अब इस टाइम में टाइम किस चीज का है? इस टाइम में टाइम है बेटे चॉइस फिलिंग का। आप लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आप लोग एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जब आप ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो आप लोगों को सबसे पहले होगा, सर मुझे कॉलेज अलॉट होगा कि कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो इसलिए वी आर हियर टू सपोर्ट यू कि आपको कैसे बीबीए प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिलेगा। फर्स्टली आप लोग सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, सीट मैट्रिक्स एक्चुअल में आईपी यूनिवर्सिटी का है क्या, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट जो 21,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था एग्जाम आईपी यूनिवर्सिटी का, उसमें से आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 7,000 सीट्स बीबीए के लिए अवेलेबल है। जो कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं और किसी पास 60 सीट्स होती है बेटे, किसी पास 120 होती है, किसी पास 180 होती है, ये जो है अप्रोक्सीमेट 7,000 है, जिसमें से सारी सीट्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। याद रखना ये है कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी में आ गया आउटसाइड दिल्ली, जिन्होंने 12th दिल्ली से बाहर से पास की है, चाहे आप रहते दिल्ली में है, अगर आपने गाजियाबाद नोएडा फरीदाबाद से 12th पास की है तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो गए, आप दिल्ली कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। एससी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिफेंस कैटेगरी टोटल कैटेगरी होगी 41%। अगर आप मैं 41% को 7,000 में से अगर हटा देता हूं, 7,000 में से 41% कितना रह गया, 2850 हटा दूं तो रिमेनिंग सीट्स रहेगी 4150। 4150 के लिए करीब करीब 18,000 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। क्यों? दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ आ गई, सेकेंड कट ऑफ आ गई, थर्ड कट ऑफ आ गई, आप में से 90% स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला अभी। सिर्फ ऊपर के 10% जिनके 90 प्लस 92, 93, 94% थे, वो भी एडमिशन में कई कॉलेज के अंदर नहीं मिला। अब वो सारे स्टूडेंट्स कहां शिफ्ट हो रहे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी में। अब आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, सीट्स कम है और स्टूडेंट सिस्टम में ज्यादा है, तो आपको नेचुरली बात है वरीड होने की जरूरत है कि सर क्या ये सीट मुझे अलॉट होगी, कैसे होगी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप ये देखिए, ऑन द बिहाफ ऑफ डीआईआईडी ग्रुप, डीआईआईडी के अंदर क्या है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये कॉलेज है बेटा, ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर काफी सारे कॉलेज रन कर रहे हैं, काफी कोर्सेज रन करते हैं यहाँ पे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। यहाँ पे टोटल सीट्स हैं ओनली 210 बस। अब आप लकी होंगे तो नेचुरली बात है आपका नंबर इसमें आएगा, अगर आपकी रैंक 2000 है, 3000 है, 4000 है, मैं कहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शायद हो सकता है और भी कॉलेज मिल जाएंगे, अपने नियर बाई वाले मिल जाएंगे, तो अब आपको फाइट करनी है इन 210 सीट्स के लिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि आप दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आप जब चॉइस फिल करेंगे, चॉइस फिल करते नहीं, मैंने कह रहा फर्स्ट में लिखिए, सेकंड में लिखिए, थर्ड में लिखिए, आप फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर भी डालेंगे तो डेफिनेटली आपको बार बार ये इश्यू होगा, नो अलॉटमेंट, नो अलॉटमेंट, नो अलॉटमेंट। नहीं तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, फर्स्ट काउंसलिंग सर सीट नो अलॉटमेंट, फिर स्टूडेंट्स के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि सर क्या करें, हमारे को अब क्या करें, मैनेजमेंट कोटा लेना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब इस टाइम में इतनी मनी तो है नहीं, इस टाइम के टाइम में कोरोना के टाइम में किसी के पास कि सर मैं एक्स्ट्रा पैसे दे सकूं, तो आप लोग क्यों पे करते हैं एक्स्ट्रा पैसे, जब आपको हम लोग कह रहे हैं हम फीस टू फीस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन चॉइस आपने बहुत वाइजली फील कर ली है। उसके अंदर क्या है, आपके जैसी चॉइस फिलिंग करेंगे उसके अंदर 48 से 72 आवर्स का टाइम होता है। चॉइस फिल करने के बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी सीट अलॉट कर देती है तो आपको पे करने हैं 40,000 रुपीज, किस पे, आईपी यूनिवर्सिटी के साइट में जाके ऑनलाइन, फिर आपने उस सीट को फ्रीज कर देना, वर्ड पे ध्यान देना, अगर आपने फ्रीज नहीं किया तो वो सीट बाद में निकल जाती है, फिर उसको आपको किसी और कॉलेज में डाल देंगे, फिर वो बच्चा हमारे पास आता है स्टूडेंट, सर मुझे एक कॉलेज दोबारा नहीं मिल सकता, नहीं यार अब नहीं मिल सकता भाई, क्यों, क्योंकि आपने अपनी चॉइस को फ्रीज नहीं किया था, अगर आपने फ्रीज कर दिया होता तो ये कॉलेज आपके पास ही रहता। इसलिए याद रखना जैसे ही 40,000 डिपॉजिट कराओ इसको फ्रीज कर दो। ये बेटे कैंपस है नंगली पुना का, देख लीजिए आप कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, जब आप आएंगे आपको हर एक चीज मिलेगी जो आप एक स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, वो सारी फैसिलिटीज कैंपस में है। इसके अंदर सबसे पहली बात, ये कॉलेज के लिए मैं आपको बार बार क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं, पहले सुन लेना इस कॉलेज के बारे में, 2002 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, आज है 2020, 18 इयर्स हो गए बेटे, कोई कॉलेज अगर इतने टाइम से चल रहा है तो इसको मतलब कुछ ना कुछ बात होगी, तभी तो वो कॉलेज अब तक रन कर रहा है। और 2002 से कितने बैच यहां से पास आउट हो चुके हैं उसके अंदर देखिए, ए ग्रेड कॉलेज है ये, ए ग्रेड हमने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, ये ए ग्रेड देती है यूनिवर्सिटी,
जब हम अपने सारे नॉर्म्स फुलफिल करते हैं, हमारे यहाँ की जो फैसिलिटीज है उसके हिसाब से ये ए ग्रेड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। कितने स्टूडेंट्स? 10,000 स्टूडेंट्स आज तक यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो बहुत अच्छी जगह पर प्लेसमेंट उनकी हो चुकी है। काफी अच्छी कंपनीज के अंदर ये स्टूडेंट्स में वर्क कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बैंक्स के अंदर, विप्रो के अंदर, टीसीएस के अंदर, और कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर आप देखेंगे तो डीआईआईटी के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। एट प्रेजेंट सारे कोर्सेज मिला के 2100 स्टूडेंट्स हैं, जिनके ऊपर 110 फैकल्टी मेंबर्स वर्क कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होता है, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उनके पेरेंट्स को सारे के सारे टाइम टू टाइम डिसीजन देने के लिए, कोई भी हेल्प करने के लिए। और पूरा ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है। ये सारे कोर्सेज हैं बेटे डीआईआईटी में, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बीबीए ऊपर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। मतलब क्या हुआ, ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपको हर कॉलेज में नहीं मिलेगा, ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी ने कुछ लिमिटेड कॉलेज को दिया हुआ है, जिसमें से एक है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर आप फाइनेंस में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को चूज कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब ये भी कोर्स बहुत बढ़िया है, बीबीए जनरल, जो फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, एचआर की फील्ड में, मार्केटिंग में जाना चाहता है, बीबीए जनरल कीजिए। बीकॉम, बीए, बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी, ये कोर्सेज भी डीआईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रन करता है। अब एट प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम है, कोरोना में आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, आपके ब्रदर एंड सिस्टर सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर पहला ऐसा कॉलेज है जिसने ऑनलाइन पोर्टल रेडी कर लिया है, जो कि पोर्टल का नाम है www.diid.vset.in। diid.vset.in पे अगर आप जाएंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे बेटे, आप किसी भी टाइम कोई भी क्लास मिस हो जाती है, जरूरी तो नहीं कि सारी क्लासेस आप स्टडी कर सकते हैं, तो जो क्लास मिस हो जाती है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल होगा। किस टाइम? किसी भी टाइम यार, 24/7। आप मेट्रो में हैं, आप बस में हैं, घर पे हैं, छत पे हैं, पार्क में हैं, आपका फोन होना चाहिए आपके पास, आपका स्मार्टफोन होना चाहिए, या आपके पास टैब होना चाहिए, या आपके पास लैपटॉप हो, आप ऑनलाइन जाके लेक्चर देख सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मॉर्निंग में जो क्लास होती है, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ई लाइब्रेरी आपके पास, बुक ओपन करी, अपना फोन पे स्टडी कर लिया, पेपर से पहले कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम देने जा रहे हो फोन रखो अपने पास, स्टडी करते करते चले जाइए कॉलेज। उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करने हैं, असाइनमेंट भी आपके ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे, इसी पोर्टल के ऊपर ही सब कुछ हो जाएगा। आपको स्टडी ग्रुप बनाना है, चैट ग्रुप बनाना है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, सारी फैसिलिटी इसके ऊपर अवेलेबल है जो आज के टाइम स्टूडेंट्स को चाहिए। अब ये बेनिफिट एक और सुनना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी करें चाहे आईपी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में स्टडी करें, आपको डिग्री मिलेगी 3 इयर्स की बीबीए, सिंपल बीबीए, और कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से कोर्स करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कौन सा सर्टिफिकेट? इंटरनेशनल बिजनेस का। 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा होता है फॉरेन ट्रेड के अंदर, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, अगर आपने बाहर की कंट्रीज के अंदर कहीं टाइप करना है किसी बिजनेस के लिए, तो कैसे टाइप करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जीएसटी नंबर लेंगे, ये सारी चीजें इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। हर स्टूडेंट को क्वेश्चन होता है सर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, हर कोई जॉब में नहीं जाता, तो उसके लिए हम लोगों ने सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, 3 इयर्स का डिग्री प्लस 1 ईयर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद ये सबसे मेन है स्कॉलरशिप। अब स्टूडेंट्स के पास आज के टाइम में लोग कहते हैं सर फीस में कुछ थोड़ा सा रिबेट हो जाए, कुछ डिस्काउंट हो जाए। आप लोग अगर 12th क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस की है तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 50 से 70% ये स्कॉलरशिप है 48,000 तक, 48,000 का मैं आपको स्लैब बता देता हूं। स्लैब जो है वो कैसे है, अगर आपके 90% से अबव है और आपने डीआईआईडी फर्स्ट से लेके फिफ्थ पोजीशन के बीच में फिल किया, ध्यान से सुनना, अगर आपने फर्स्ट से लेके फिफ्थ के बीच में ऑनलाइन काउंसलिंग में डीआईआईडी फिल किया, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 48,000 रुपीस। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं 70 से 90 के बीच में और तब भी आपने चॉइस में फिल किया हुआ है तो भी आपको मिलेगी 30,000 रुपीस। और अगर आपकी परसेंटेज 50 से 70 के बीच में है और आपने चॉइस फिल की है 1 to 5 के बीच में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नगली पुणे, तो आपको 20,000 रुपीस स्कॉलरशिप मिलेगी बेटे। उसके अलावा जो हमारे को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके अलावा 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, जो आपका एडमिट कार्ड वहां से सीईटी का इश्यू हुआ था वो,
रैंक रिजल्ट जो आपकी रैंक आई है उसका प्रिंट आउट आप ला सकते हैं। 1000 जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, जब आप 40,000 रिपोर्ट करा देंगे आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव द अलॉटमेंट लेटर ऑफ बीआईआरडी, यू हैव रिसीव द एडमिशन ऑन दिस कॉलेज, तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको लेके आना है कॉलेज में। कोई भी इंफॉर्मेशन है बेटे, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको लगता है सर मुझे ना इस चीज के बारे में क्वेरी करनी है, मुझे पता करना है कॉलेज एक्चुअल में है कहाँ पे और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहाँ से आप लोग दे रहे हैं, किस टाइप की फैसिलिटी और प्रोवाइड है, प्लेसमेंट के बारे में कुछ पूछना है, क्लासेस के बारे में पूछना है, बेटे इस नंबर पे कॉल कर लेना। नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ 1800 102 3846। क्लियर हो गया? किसी भी कोर्स के लिए अगर आप कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं आप इस नंबर पर कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बीबी के बारे में बताया, अगर आप बीकॉम के भी स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी के हैं, कुछ भी हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।